दो इंस्टेंट ऐसी एप्लीकेशनें बताऊंगा जिनके मदद से आप घर बैठे 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट आप आसानी से ले सकते हैं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। जो ये कंपनी है पूरी यानी कि पूरी तरीके से एक NBFC कंपनी है जो हमारे को EMI के ऊपर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपका सिबिल अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छी रही, तो आपको इन दो एप्लीकेशनों में जो लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमारा सिबिल होता है कितना इम्प्रूव होता है, और कितना सिबिल अगर हमारा अच्छा होता है तो हमारे को वहाँ पे कितने सारे लोन के ऑफर भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं। चलता हूँ मैं प्रॉपर स्क्रीन की तरफ, आपको स्क्रीन पे चल के जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, 1 से 2 मिनट हम वेट करते हैं, जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है नीरा। जो नीरा एप्लीकेशन है यहाँ पे जो मुझे लोन मिला है पूरे 70,000 रुपए का, यहाँ पे जो लोन है वो अप्रूवल हुआ है। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 70,000 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन हुआ है। और आप देख सकते हैं ये कंपनी हमारे को 1,000 से लेके कम से कम 1 लाख रुपए तक का हमारे को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। साथ में हमारे को यहाँ पे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ सकती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ने जॉब प्रोफाइल, जैसे आप अपनी जॉब को प्रोफाइल को ओपन करोगे तो उसके जो सेकंड नंबर का स्टेप आएगा वो आएगा आपका पैन कार्ड। जैसे आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट करोगे उसके बाद ही आपकी वहाँ पे लिमिट है वहाँ पे दिखा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, मुझे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे एक छोटी सी KYC करनी पड़ेगी। जैसे मैं डिजिटल KYC को वहाँ पे ओपन कर दूंगा, जो मेरा लोन है ये मेरे अकाउंट में 5 से 7 मिनट के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है पूरे तरीके से एक NBFC कंपनी है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो भी आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मुझे लिमिट मिली है मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दी, 70,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं सेकंड एप्लीकेशन है वो है स्मार्टकॉइन। स्मार्टकॉइन एप्लीकेशन भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम 1,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की लिमिट है हम सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पहले से लोन मिला, अगर आपने उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री टाइम से करी है या अच्छी हिस्ट्री करी है, तो आपको वहाँ पे 1,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की बीच की लिमिट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे। इस एप्लीकेशन में बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो आपका सिबिल है यहाँ पे 650+ होना चाहिए तो आप स्मार्टकॉइन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे मुझे लिमिट मिली है यहाँ पे पूरे 1,000 से लेके 22,000 रुपए तक की यहाँ पे लिमिट मिली है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो 22,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है, जो इसके जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है वो 2861 रुपए लगने वाली है, जो यहाँ पे GST लगने वाली है 514 रुपए लगने वाली है, जो मेरे अकाउंट में खाते में आएंगे वो आएंगे 18,625 रुपए आएंगे, जिसके जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है यहाँ पे 1388 रुपए लगने वाला है, और यहाँ पे जो EMI बनी है 4 EMI मेरी यहाँ पे बनी है 5847 रुपए, मुझे जो इनको पे करने हैं यहाँ पे करने 23388 रुपए। अब आप देख सकते हैं अगर आप अपने पैन कार्ड को अच्छे से यूज करोगे, उसकी रिपेमेंट टाइमली करोगे, तो आपको यहाँ पे काफी सारे लोन के ऑफर देखने को मिलेंगे। कंपनी आपको खुद लोन देने के लिए यहाँ पे आपको ढूंढेगी कि मतलब कि इसकी रिपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है या एक्सीलेंट है, तो हम यहाँ पे इसको लोन दे देंगे, तो आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे लोन भी देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे 2 ऑफर मिले हैं, मैंने दोनों ऑफर देखा है। मैं 70,000 का भी लोन ले सकता हूँ, 22,000 का भी लोन ले सकता हूँ। बाकी मुझे अभी लोन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि हमें अपने पैन कार्ड को अच्छे से यूज करना है और उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री टाइम से करनी है। अगर हमें फ्यूचर में कभी भी लोन की जरूरत पड़ जाए तो हमें ऑनलाइन लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।